वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफी दिनों के बाद मैं फिर से एक ब्लॉग बनाने जा रही हूँ और मेरे साथ जाएगी मिस सोनाक्षी असवाल, ये है मेरी छोटी सिस्टर, और हम इसी के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। हालांकि काफ़ी गर्मी है बट फिर भी जाना पड़ रहा है क्योंकि ये अपने लिए काफ़ी जो कपड़े वपड़े थे वो काफ़ी कम लेके आई हुई है। तो हमने सोचा शॉपिंग किया जाए और थोड़ा बहुत घूम भी लिया जाए, तो चलिए चलते हैं सोनाक्षी के लिए शॉपिंग करने। कर रहे हैं कैब का वेट, कैब अभी तक आई नहीं। एक तो ऊपर से इतनी सारी गर्मी दिल्ली की, हराम कब कैब आएगी, कब हम जाएंगे। फाइनली हमारा वेट खत्म और कैब आ गई है और अब हम चलेंगे। नगर मार्केट और सबसे पहले हम करेंगे सोना के लिए शॉपिंग। तो स्टार्ट करते हैं सोना के लिए शॉपिंग से। सोना को डेली यूज़ के कपड़े चाहिए है ना, डेली यूज़ के ना, तो उसके लिए हम जाएंगे मैक्स फैशन चलेंगे। और मैंने तो अपने लिए कल ही शॉपिंग करी है बट मेरा ना दिल भरता नहीं है शॉपिंग करने से। सोना के लिए थोड़ा बहुत शॉपिंग हो चुकी है तो अब मुझे लेना है कुर्ते के लिए और साड़ी के लिए फैब्रिक। तो अब मैं जाऊंगी फैब्रिक लेने। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप गुलाटी की जो शॉप है वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं कमला नगर में, बट यहाँ का जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा होता है बट काफ़ी कॉस्टली होता है। मतलब अगर आपको जो पसंद आएगा तो वह 1000 रुपये 1500 रुपये मीटर ऐसे ही मिलता है। तो जब भी मैं फैब्रिक लेने जाती हूँ तो है ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी माता जी को कॉल करती हूँ और माता जी को वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ कि हाँ मुझे कौन सा लेना चाहिए, आप मुझे सजेशन दो। तो मम्मी मुझे बताती कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो तभी मैं लेती हूँ। हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है और हमारे पास कैश बिल्कुल भी नहीं है तो अब हम जाएंगे एटीएम। करो हेलो सोना, कितनी गर्मी हो रही है सोना, बहुत ज़्यादा ही हो रही है। और सोना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। हाय मेरी तो बहुत हालत ख़राब है, इतनी गर्मी ऊपर से शॉपिंग तैयार। सो गाइस हम लोग घर पहुंच गए हैं और हम लोग काफ़ी थक चुके हैं तो आज का व्लॉग मुझे यहीं पर एंड करना पड़ेगा और मुझे खाना भी बनाना है। मैंने खाना बनाने के लिए अपने भाई को बोला था लेकिन जो मेरा भाई है वो रूम पे है ही नहीं, वो यहाँ से बाहर अपने फ्रेंड को मिलने गए हैं। और पता है हमारे साथ क्या हुआ, जब हम लोग गए थे ना तो बाहर काफ़ी धूप थी और जब हम लोग वापस आए तो वैसे ही बारिश वाला मौसम था, काफ़ी अच्छा मौसम। तो अब मुझे दुख हो रहा है। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।